स्वर्ण व्यवसायी के वहां हुई चोरी का खुलासा। कसिया में दिन दहाड़े हुई एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान से लाखों का सोना चोरी हो गया। दुकान से कुछ समय के लिए, घर के अंदर कुछ समय के लिए हटे कि शातिर चोर तिजोरी खोलकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। व्यवसायी जब दुकान पर लौटे तो तिजोरी का फाटक खुला देख दंग रह गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। वहीं ये चोरी की घटना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। 60 लाख की चोरी की बड़ी घटना होने से पुलिस की नींद हराम हो गई। पुलिस घटना के पर्दाफाश करने में जुट गई है। आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि ये अभियुक्त घटना बहुत ही सधे तरीके से अंजाम देते थे। पहले बड़े दुकानों की रेकी करते और सामान खरीदारी के बहाने मौका मिलते ही दुकान से आभूषण व नकदी गायब कर देते। घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी का 8,47,000 नकद बरामद करते हुए पुलिस ने घटना का खुलासा किया। वहीं यही तीनों शातिर चोर बिहार राज्य के बताए जा रहे हैं। बड़ी घटना का खुलासा होने से पहले जहां राहत की सांस ली, वहीं स्वर्ण व्यवसायियों में जो डर का माहौल था वो समाप्त हो गया। चोरी की घटना हुई थी जिसमें लगभग 1 किलो 300 ग्राम सोना चोरी गया था। उस घटना के संबंध में कसिया थाने के संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम, कर्मियांश टीम और थाना कसिया की टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 6/5/2021 को उक्त टीमों के द्वारा काफी मेहनत करके 3 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 619 ग्राम सोना और 8,47,000 रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि थाना पटेरवा में कुछ दिनों दूर एक घटना इनके द्वारा कारित की गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। वो घटना भी आज अनावरित हुई है। इनके द्वारा पूछताछ के दौरान एक और महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा जानकारी की गई कि ज्वेलर्स की दुकानों पर जा करके ये रेकी करते थे, कुछ सामानों की खरीदारी करते थे और मौका पा करके ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इससे 3 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। 2 अभियुक्त और वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी सर के द्वारा स्वाट टीम और सर्विलांस टीम, जिनके द्वारा इसमें बहुत मेहनत की गई है, 25,000 रुपए का पुरस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत।